नमस्कार, दिन के पहले बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं खबर छतरपुर शहर की। यहां छतरपुर शहर स्थित हडवारा स्कूल में कुछ असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा स्कूल की कक्षा जब लगी हुई थी, तभी अचानक से उनकी क्लास पर ये दो असामाजिक तत्व के लोग जा पहुंचे और बच्चों को बाहर निकालकर उन पर हमला कर दिया। इस पूरी वारदात के समय वहां के स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा, जो तमाशा विहीन होते हुए देखता रहा। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बच्चे कक्षा में जब पढ़ रहे थे, तभी दो लड़के आए और उन्हें बाहर निकालकर उनके साथ जमकर मारपीट करना शुरू कर दी। मारपीट के बाद दोनों आरोपी स्कूल का गेट फांदकर भाग गए। मामले की शिकायत सिटी कोतवाली में कर दी गई है। वहीं स्कूल का स्टाफ इस पूरी घटना का तमाशाबीन बना रहा। यदि स्टाफ चाहता तो दोनों आरोपी पकड़े जा सकते थे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल हटवारा में पढ़ने वाले अभय श्रीवास और तौफीक खान जब कक्षा में थे, तभी विवेक और अमन पंजाबी नाम के ये दो युवक स्कूल में पहुंचे और दोनों की मारपीट करना शुरू कर दिया। अभय के मुताबिक मारपीट की वजह समझ में नहीं आ रही है। उसने यह जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों मारपीट की जा रही है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। उधर विद्यालय का स्टाफ तमाशाबीन बना रहा। चूंकि स्कूल के गेट खुले थे, इसलिए दोनों लड़के बेसबॉल का डंडा लेकर भीतर की ओर आ गए थे, तभी अपनी गतिविधि को अंजाम देकर वो भागने में सफल रहे। स्कूली बच्चे ने बताया कि स्टाफ देखता रहा मगर कोई बचाने के लिए आगे नहीं आया। वहीं विद्यालय में पदस्थ देवराज सिंह का कहना है कि बच्चों के बीच झगड़ा हुआ है। वे कक्षा में पढ़ा रहे थे, तभी झगड़ा होता देख तुरंत बाहर निकले और लड़कों का डंडा छुड़ाकर उन्हें स्कूल से भगाया। चूंकि गेट बंद था, इसलिए वे गेट फांदकर भाग गए। स्कूल में कुछ नहीं, हम लोग पढ़ रहे थे तो दो लड़के आए, उन्होंने सीधा आए और कुछ नहीं पढ़ा। उन्होंने नाम पूछा भी श्रीवास का, उसको मारने लगे। हम बचाने गए तो उसने हमें ही मारा। क्यों, किस बात पे मारा? कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं है किसी लड़ाई का। हम बचाने लगे तो उन्होंने हमें ही मारा। स्कूल में लड़के आए कुछ और मारा उन्होंने। स्कूल में जब पीरियड चल रहा था, जब ही आए? हाँ, जब पढ़ाई कर रहे थे। प्रिंसिपल कहाँ था? प्रिंसिपल ऑफिस में था, लेकिन कोई सब सर थे यहीं पर, लेकिन कोई बोला नहीं। कुटते देखते रहे? हाँ सब। आप लोग क्लास चल रही थी जब? हाँ, क्लास चल रही थी। आप प्रिंसिपल सर के पास गए? प्रिंसिपल सर थे ही नहीं वहाँ पे, फिर हम लोग ऑफिस में। यहाँ पे जो सर उनके पास गए, क्या बोले वो? वो सब साइड दे रहे थे, कह रहे थे अब हम नहीं बोल सकते बीच में, ये वो सर ही बोल रहे थे। अपने आप कैसे घुस गए बच्चे? ये गेट खुले थे। कौन थे वो लड़के? कौन से मोहल्ले के थे लड़के? अरे मतलब कोई लड़ाई चल रही थी क्या तुम्हारी? नहीं, लड़ाई कोई नहीं थी। नाम पता? नाम, एक का नाम विवेक, एक का नाम अमन पंजाबी। बाहर के बच्चे, अब गेट खुला है, शासकीय संस्था है, कोई प्राइवेट संस्था तो है नहीं है कि यहाँ पे हम जो है वॉचमैन भी लगा के रखें। वॉचमैन तो कोई है नहीं है। अब लड़के हैं, कोई काम के लिए आते रहते हैं, चूंकि सर नहीं थे, मैं तो क्लास में पढ़ा रहा था। तो आए तो आपको बचाना चाहिए। क्लास में आए तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन है, कहाँ से, तो वो बोले कि आपसे कोई मतलब नहीं। इसके बाद वो आगे वाली क्लास में चले गए। इसके बाद आने के बाद वो आया तो खुद ही गिर गया। प्रिंसिपल सर कहाँ है आज? लड़ाई, बच्चे की लड़ाई हुई तो आपको कुछ बोलना चाहिए क्या? बच्चे तो कह रहे नहीं बोला, आप उनका साइड दे रहे थे। मैं बोला, ठीक है ना, इसके बाद मैंने उस लड़के का डंडा छुड़ाया। डंडा छुड़ाने के बाद स्कूल की कोई जवाबदारी नहीं रहती? स्कूल के अंदर रहता है, जैसे बच्चे स्कूल आए, जवाबदारी कोई बच्चों की नहीं रहती? क्यों नहीं रहती? बच्चे को टका, फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी? खबर दिनभर के इस बुलेटिन के लिए बस इतना ही। बने रहे पेप्टिक टाइम के साथ। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर जल्द मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।